फनपारों के जरिए की गई दिल की बातें, बचपन के ख्वाबों और जिंदगी के नाकाबले फरामोश लम्हात को ब्रश के जरिए कैनवस पर उतारा गया है। पालतू जानवरों का आम जिंदगी से क्या तालमेल है और चेहरे के तासुरात क्या बता रहे हैं, ये सब और बहुत कुछ जानते हैं सियालकोट से अदील अनवर की इस रिपोर्ट में। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में तालबात की जानिब से किया गया फन पारों की नुमाइश का खास एहतमाम। नुमाइश में तालबात ने तहलीकी और फनी महारत को अपने हुनरमंद हाथों से फन पारों पर इस खूबसूरती से उतारा के देखने वाले दंग रह गए। मैं अपने थीसिस टॉपिक के जरिए पैट्रियार्कल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इन पेंटिंग्स के थ्रू मैंने हर फीमेल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपनी बातों के जरिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने पेंटिंग का मीडियम किया जिसके थ्रू मैं अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं। नुमाइश में फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन डिपार्टमेंट जीसी विमेन यूनिवर्सिटी की तालबात ने तहलीकी और फनी महारत को फनपारों की जुबानी पेश किया। जो मेरा काम है वो फूड के ऊपर है, बेसिकली जो मेरा फूड है वो देखने में बहुत रियल लग रहा है, मतलब लोग जब एंटर होते हैं तो उनको लगता है कि रियल फूड पड़ा हुआ है, बट वो एक्चुअली रियल नहीं है। मैंने डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करके तो इस तरह शो ऑफ करवाया हुआ है कि वो रियल है। तालबात की जानिब से बनाए गए छोटे छोटे स्टॉल्स में फन के बेहतरीन नमूनों और खूबसूरती को बयान किया गया। ये मेरा काम है अपने चाइल्डहुड मेमोरीज और फैंटेसीज पे है, और ये मतलब मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे ये चाइल्डहुड मेमोरीज हमारे लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, और वो चाहे आप जितना मर्जी बड़ा हो जाएं आपके लिए वो एक बहुत खास मेमोरीज रहती हैं, और ये सारा काम मैंने अपनी मेमोरीज पे पेंट किया है। नुमाइश का मकसद तालिबात में मौजूदा फनी और तहलीकी सलाहियतों को उजागर करना था और दुनिया को ये बताना था कि निसाबी तालीम के साथ साथ गैर रस्मी सरगर्मियों से तालिबात में मौजूदा टैलेंट को कैसे निखारा जा सकता है। मेरा टॉपिक है ह्यूमन एंड फिलाइंस, जिसमें मैंने अपने काम के थ्रू अपने आर्टवर्क के थ्रू अपना और अपने पेट का रिलेशन दिखाया है कि एक ह्यूमन के लिए उसका पेट किस कदर इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अपने काम में अपने कैट को एज अ म्यूज पेंट किया है। तालिबात ने इस मौका पर अपने फनपारों और खास काम को अपनी जुबानी यूं बयान किया। मेरी थीसिस का टॉपिक है वो फेशियल एक्सप्रेशन है, मैंने इसमें लोगों के एक्सप्रेशन पे काम किया, उन लोगों के एक्सप्रेशन पे काम किया जो मेरे इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, मतलब कि ये मुझसे रिलेट करते हैं, और मैंने इसके अंदर रियलिस्टिक टेक्निक यूज़ की है, और इसके अंदर मैंने सिंगल पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, ब्लैंक बैकग्राउंड रखा है, और इसके अंदर जो आईज मैंने बनाई है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव आईज बनाई हैं। असातिज़ा ने अपनी गुफ्तगू में बताया कि कैसे काम से नाम बनाने के साथ साथ मुल्क का मस्बत इमेज दुनिया के सामने उजागर कर सकते हैं, बच्चियों को क्या सिखाया गया और क्या बनाया गया ये उनके काम से ही साफ जाहिर है। यही वो बच्चे होंगे जो न सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट का बल्कि सियालकोट सिटी और पाकिस्तान का नाम नेशनली और इंटरनेशनली दोनों जगह पे हमें नमाया तौर पे प्रेजेंट कर सकेंगे, और आने वाले दिनों में ये फ्यूचर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट साबित होंगे। जाहिर है जब दिल और दिमाग एक ख्याल पर या यूं कह लें कि एक पेज पर आ जाएं, तो फिर जो कमाल सामने आता है वो इस नुमाइश में जा बजा दिखाई दिया और सराहने वाले इसे सराहे बगैर रह न सके। जिसी विमेन यूनिवर्सिटी में होने वाली इस एग्जीबिशन में तलबा ने अपने काम के जरिए हाजरीन से खूब दाद वसूल की। कैमरा टीम के साथ अदील अनवर, कैपिटल टीवी, सियालकोट।